सक्रिय रिमोट सेंसर्स। प्रकृति ने हमेशा मानव को प्रेरित किया है। हम पौधों और जानवरों के कई उदाहरण पा सकते हैं जो मनुष्य से दूसरे तरीकों से वास्तविकता की व्याख्या करते हैं। दूसरे शब्दों में, उनके पास अन्य इंद्रियां हैं जो उन्हें यह महसूस करने की अनुमति देती हैं कि हम क्या नहीं कर सकते, जैसे कि अवरक्त दृष्टि या रात्रि दृष्टि। कुछ चमगादड़ प्रजातियों में उड़ान के दौरान उन्हें सीधा रखने के लिए ध्वनि तरंग पैदा करके और किसी वस्तु से उसका परावर्तन वापस मापते हुए की एक सक्रिय प्रणाली होती है। चमगादड़ प्रतिध्वनि को यह पता लगाने के लिए माप सकता है कि यह वस्तु कितनी दूर है और किस दिशा में हो सकती है। सक्रिय रिमोट सेंसर कैसे काम करता है, वास्तव में ये है। यदि आकाश में बादल है तो पैसिव ऑप्टिकल सेंसर्स पृथ्वी की सतह को नहीं देख सकते हैं। इस स्थिति में हम सक्रिय सेंसर्स का उपयोग कर सकते हैं जो अपनी विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्पादन करते हैं रेडियो या प्रकाश के स्पंदनों के रूप में। जब सेंसर्स एक सतह या वायुमंडल से परावर्तित संकेत का प्रतिध्वनि प्राप्त करते हैं तो वे इसके गुणों को मापते हैं और उनसे बहुत उपयोगी जानकारी निकालते हैं। हम दो प्रकार के सक्रिय रिमोट सेंसर्स का उपयोग करते हैं जिन्हें रडार और लिडार कहा जाता है। रडार रेडियो तरंगों का उपयोग करता है और लिडार प्रकाश तरंगों का उपयोग करता है। प्राप्त प्रतिध्वनियों का विश्लेषण करके सक्रिय सेंसर्स विभिन्न प्रकार के भौतिक चर माप सकते हैं। एंगुलर रेजोल्यूशन एक एंटीना एक दूरबीन की तरह है, लेकिन यह रेडियो आवृत्तियों पर काम करता है। दूरबीन का दर्पण जितना बड़ा होता है, देखने का क्षेत्र उतना ही छोटा होता है। इसलिए हमारा रिमोट सेंसर केवल उन वस्तुओं को मापेगा जो उसके देखने के क्षेत्र एंटीना के बीम के भीतर है। हम मोबाइल एंटीनाओं और जटिल संकेत प्रसंस्करण के साथ इस रेजोल्यूशन में सुधार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए तथाकथित सिंथेटिक एपर्चर रडार। फासला, जब रडार या लिडार एक स्पंदन का उत्सर्जन करता है और जब इसके प्रतिध्वनि को प्राप्त करता है तो बीच की देरी को मापने से हम किसी वस्तु से दूरी को माप सकते हैं। नियम सरल है, स्पंदन अधिक दूर यात्रा करेगा ये उतना अधिक समय प्रतिध्वनि को वापस लौटने में अधिक समय लगाएगा। गति, तथाकथित डॉपलर प्रभाव को मापने, यह एक वाहन ध्वनि से ध्वनि को जैसे ही निकट आता उच्चतर बनाता है और जैसे ही दूर होता है कम हो जाता है। हम किसी वस्तु की गति को माप सकते हैं। सक्रिय रिमोट सेंसर्स के साथ हम विभिन्न पृथ्वी परिघटनाओं के उच्च रेजोल्यूशन मापों को प्राप्त करते हैं। हालांकि प्रतिध्वनि को मापना उतना आसान नहीं है जितना लगता है, क्योंकि कई कारक हैं जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के मार्ग को अस्त व्यस्त या बदल सकते हैं। एक बुनियादी तरीके से हम इस बारे में बात कर सकते हैं कि कैसे विभिन्न सतह विद्युत चुंबकीय ऊर्जा को परावर्तित करने के तरीके को संशोधित करते हैं। इसे प्रकीर्णन रूप में भी जाना जाता है। सड़क या पानी की तरह समतल भूभाग एक दर्पण के समान एक चिकनी सतह प्रतिबिंब प्रदान करता है। जुताई वाले खेत या वनस्पति एक खुरदरा सतह प्रतिबिंब प्रदान करते हैं जो ऊर्जा को विस्तार पूर्वक कई दिशाओं में बिखेरता है। अंत में जब विद्युत चुंबकीय ऊर्जा एक से अधिक सतह से टकराती है, जैसे कि पेड़ या इमारतें, इसे एकाधिक उछाल प्रभाव कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इनमें से प्रत्येक स्थिति विभिन्न शक्तियों के परावर्तनों में परिणत होती है। इसलिए कोर सेंसर को यह निर्धारित करने की अनुमति देता है कि किस प्रकार की सतह ने मूल ऊर्जा को परावर्तित किया है।